नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में, जहां हम सभी लोग विधि से संबंधित जो अपडेट्स होती है उसमें चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब से धारा 498 ए IPC में ऐड हुई है वर्ष 1986 से, या यूं कहें कि वर्ष 2000 से जब से इस धारा का प्रचार प्रसार हुआ और जब से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इन्फोर्स हुआ, तब से लेकर के इस प्रकार के जो घरेलू हिंसा के मामले वो बहुत सारे उजागर हुए। और बहुत बार लगभग 2015 से 2022 की 7 वर्ष की अवधि के दौरान लगातार सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स का ये कहना है कि द लॉ विच वॉज इनेक्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन इज यूजिंग एज वेपन बाई सच वुमेन्स, कि जो विधियां, जो कानून, जो प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके बेहतरी के लिए बनाए गए थे, द लॉ विच इज मेक टू प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट, उनको वो वेपन्स की तरह यूज कर रहे हैं, उनको वो एक हथियार की तरह प्रयोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपने ससुराल वालों को प्रताड़ित किया जाए। ये बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए हैं। उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगातार ये बात कहते भी रहते हैं कि इस प्रकार से किया ना जाए। और 2017 में राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ UP का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गया ही होगा, गया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी थी। उसके बाद एक लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, उसमें भी इस विषय पर प्रकाश डाला गया था। तो इन विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जानते हैं कि ये 498A जो सेक्शन है, इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश जारी किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो धारा 498A है वह घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए बनाई गई है। और उसी प्रकार कई महिलाएं इस 498A के तहत मुकदमा दर्ज करा के अपने पति को, उनके परिवार वालों को, रिलेटिव्स को परेशान करती हैं और जानबूझ करके उनसे पैसे की मांग करती हैं, जानबूझ के उन पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाती हैं। उसी क्रम में ये एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था क्रिमिनल रिवीजन के माध्यम से, जो था मुकेश बंसल वर्सेज स्टेट ऑफ UP का, जिसमें सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो दिशा निर्देश आपको समझने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोशल एक्शन फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के मामले और राजेश शर्मा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ UP 2017 के मामले का रेफरेंस देते हुए जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने यह डायरेक्शन दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या डायरेक्शन है, फिर हम बात करेंगे कि उन मामलों में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि डू नॉट अरेस्ट एक्यूज्ड और इनिशिएट एनी पुलिस प्रोसीडिंग अगेंस्ट एक्यूज विद इन द कूलिंग पीरियड। अब हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसमें एक कूलिंग पीरियड होता है 2 महीने का। उसमें कूलिंग पीरियड में जो दोनों पक्षकार हैं उनको ये कहा जाता है कि अगर उन दोनों के बीच में बातचीत के माध्यम से रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है, समझौता हो सकता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि यह समझौता कराया जाए। और अगर 2 महीने में संभव नहीं हो पाता है तो उसके बाद ये माना जाएगा कि ये अब साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू विवाह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक 7 जन्मों का रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, एक संस्कार की तरह उसको विधियों में भी शामिल किया गया। हिंदू मैरिज एक्ट भी उसे एज ए संस्कार ही स्वीकार करता है। तो इसमें ये कहा गया कि उस जो कूलिंग पीरियड है, उस कूलिंग पीरियड के दौरान, मतलब कि जिस दिन से FIR लॉन्च होती है उस दिन से लेकर 2 महीने तक पुलिस कोई भी कार्रवाई इनिशिएट नहीं करेगी। किसके खिलाफ? जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, मतलब कि जो पति है और जो उसके घर वाले हैं, जितने भी एक्यूज्ड हैं, कोई भी पुलिस प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जाएगी और कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एवरी केस रिलेटेड टू सेक्शन 498 शुड सेंड टू डिस्ट्रिक्ट FWC। उन्होंने कहा कि जो राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ UP में फैमिली वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर बनाई जाती है, उसके तहत उन्होंने कहा कि जो उसको बनना था उसको बना करके पहले इस प्रकार के मामलों को FWC को भेजा जाए, FWC उस मामले की जांच करे 2 महीने के दौरान,
और वो देखे कि क्या इसमें हुआ है, और दोनों परिवारों के जो सदस्य हैं उस वो जो पत्नी है वो पति है उनके परिवार के चार सीनियर मोस्ट सदस्य, इनके परिवार के चार सीनियर मोस्ट सदस्यों को बुला करके उनसे बातचीत करके कि क्या विषय है, क्या मुद्दे हैं, किस बात पर इन दोनों में कहासुनी हुई है, मनमुटाव हुआ है, अगर बातचीत के माध्यम से वो सुलटा लेते हैं तो वो प्रोसीडिंग वहीं समाप्त हो जाएगी और कोई भी FIR लॉन्च नहीं किया जाएगा, ऐसा हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। अब साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो FWC बनेगी, फैमिली वेलफेयर कमेटी बनेगी, इसमें जो लोग होंगे, कहा कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उन्होंने कहा कि उस जो जिला है उस जिले की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो जनसंख्या है, उसके आधार पर एक या एक से अधिक FWC यानी कि फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएंगी, कम से कम 3 सदस्य होंगे, कम से कम 3 सदस्य उसमें होंगे। अब सदस्यों के लिए उन्होंने कहा कि जो पहल एक सदस्य होगा वो कोई जूनियर आर्बिट्रेटर होगा या कोई जूनियर वकील होगा जिसके पास 5 साल का अनुभव होगा वकालत करने का, एडवोकेसी का 5 साल का अनुभव होगा जूनियर काउंसिल का, या कोई लॉ स्टूडेंट जो लॉ 5th सेमेस्टर में पढ़ रहा हो नेशनल यूनिवर्सिटी में, NLU में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में या किसी अन रेपुटेटेड संस्था में, अगर वो लॉ का स्टूडेंट है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, तो उसको भी उसमें सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। दूसरे में कहा ए वेल नोन सोशल वर्कर ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट, उस जिले का एक प्रतिष्ठित समाज सेवी व्यक्ति उसमें शामिल किया जाएगा जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट हु कैन गिव हिज टाइम फॉर प्रोसीडिंग, जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हैं उस जिले के जिनके पास इतना समय है कि वो इस प्रकार के मामलों में अपना समय दे सकते हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, और एजुकेटेड वाइफ्स ऑफ सीनियर IAS IPS एंड जुडिशियल ऑफिसर्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं या जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनकी जो पढ़ी लिखी पत्नियां हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। ये माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो महिलाओं के मन की बात अच्छे से समझ सकती हैं और महिलाओं के मन की व्यथा अच्छे से उजागर कर सकती हैं और एक महिला निसंकोच होकर के दूसरे महिला के समक्ष अपने विचार रख सकती है। ये इन्होंने कहा कि ये सदस्य इसमें शामिल होंगे, और उसमें एक और उन्होंने कहा कि जो इसके सदस्य होंगे वो कभी भी विटनेस के रूप में नहीं बुलाए जाएंगे, कभी भी उन्हें साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, और इन्होंने कहा कि इसके कार्य की समीक्षा जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश, साथ ही जो कुटुंब न्यायालय या परिवार न्यायालय है उसका वह न्यायाधीश जो उस जिले के जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका जो चेयरपर्सन होगा वह इसकी देखरेख करेगा। अब बात करते हैं कि जो ये सदस्य होंगे तो उन्होंने कहा इसके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये गुणवत्तापूर्ण निर्णय कर सकें, तो उन्होंने कहा कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है जिले की, जो विधिक सहायता प्राधिकरण है, विधिक सेवा प्राधिकरण है उस जिले का, वह एक हफ्ते का समय समय पर एक हफ्ते का प्रशिक्षण शिविर इन लोगों के लिए आयोजित करेगा जिसमें ये बताएगा कि किस प्रकार से ये मामले को सुनेंगे, देखेंगे, किस प्रकार से ये जाँच करेंगे और किस प्रकार से ये अपनी रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेंगे जिसके समक्ष वो मामला है। अब आइए देखते हैं इसके आगे इसमें क्या कहा गया है। उन्होंने कहा ऐसी शिकायत प्रस्तुत होने के पश्चात FWC दोनों परिवारों के, जैसे आपको मैंने बताया कि कूलिंग पीरियड के दौरान ही उन चारों दोनों परिवारों के चार चार बुजुर्ग सदस्यों को बुला करके बातचीत करेंगे कि मामला सेटल कर लिया जाए। इसके बाद जो समिति है विचार विमर्श करने के बाद अगर मामला सेटल हो जाता है तो वहाँ सेटल करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, अगर नहीं सेटल होता है तो वो एक व्यापक जो रिपोर्ट है वो बना करके उस संबंधित जांच अधिकारी को या उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जिसके कस्टडी जिसके देखरेख में वो मामला है उसको सुपुर्द कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जरूर कहा गया है कि पुलिस कूलिंग पीरियड के दौरान अभियुक्तों की गिरफ्तारी से बचेगी, लेकिन जो वन वे प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं वन डायमेंशनल पुलिस प्रोसेस, जैसे क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन करना, जाँच रिपोर्ट तैयार करना, मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करना, इंजरी रिपोर्ट तैयार करना, गवाहों का साक्ष्य लेना इत्यादि चीज़ें वो कर सकेंगे और उसको वो जारी रखेंगे अनवरत रूप से। अब उसके बाद
जो प्रोसीडिंग की बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जो समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट है वो अपनी योग्यता के अनुसार जांच अधिकारी या मजिस्ट्रेट के विचाराधीन होगी, जिस पर वह कूलिंग पीरियड के बाद सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यवाही इनिशिएट करेगा। तो सीआरपीसी के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत वो कार्यवाही इनिशिएट करेगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं कि जो राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का मामला था उसमें कोर्ट ने कहा था उसको, उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहली बार कि जिले लेवल पर एक फैमिली वेलफेयर कमेटी की स्थापना होनी चाहिए जिसकी देखरेख डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करेगी। और उन्होंने कहा कि किसी भी घरेलू हिंसा के मामले को पहले FWC के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, फिर इनकी रिपोर्ट के आधार पर उस पर आगे प्रोसीडिंग पुलिस या मजिस्ट्रेट करेगी, उन्होंने कहा था। लेकिन जो सोशल एक्शन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2018 में, इसमें तीन सदस्यीय जजों की बेंच ने अपने ही निर्णय को उलटते हुए यह कहा कि जो धारा 142 में सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले को सुनने की पावर दे दी गई है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के कारण, उसका दुरुपयोग कोर्ट ना करे। उसके तहत जो भी डायरेक्शन, जो भी निर्देश कोर्ट पास करेगी वो ऐसे निर्देश होने चाहिए जो कि विद इन द लीगल ज्यूरिसडिक्शन, जो कि लॉ बाउंड्रीज हैं उनके अंतर्गत ही हों, उसके बियॉन्ड ना। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो ये एक तीसरी संरचना की बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने की है कि एक FWC की स्थापना होगी, यह किसी भी प्रकार से न तो IPC में है न CRPC में है। तो उन्होंने कहा कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात सही नहीं है, इस प्रकार से बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर के आप किसी चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर सकते हैं। अगर उस एक्ट में इस प्रकार की घोषणा की गई है जिस एक्ट के पर आप विचार कर रहे हैं उसमें इस प्रकार के किसी प्रकार की अभिव्यक्ति है तो आप इस पर विचार करेंगे, अन्यथा की स्थिति में अगर ऐसी अभिव्यक्ति नहीं तो आप विचार नहीं करेंगे। तो ये था वो मामला जिसका रेफरेंस दिया। अब इस पर ये भी है कि कुछ अधिवक्ता यह भी कह रहे हैं कि जिसका रेफरेंस दिया है उसकी जस्ट विरोधात्मक ये डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए यह सूचना है कि अब जो 498A का मामला है वो उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी 2 महीने तक, उसमें मामला FWC को जाएगा। FWC दोनों परिवारों से बातचीत करने के बाद अगर उनमें समझौता करा लेते हैं तो मामला वहीं समाप्त हो जाएगा, अगर समझौता नहीं होता है तो आगे CRPC के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें यह भी साथ में मजिस्ट्रेट ने कोट किया कि एक संस्कारोक्ति है और हमारा दायित्व है कि हम रिश्ते को बचाए रखें, कोशिश करें कि रिश्ता बचा रहे, रिश्ता टूटे ना, और उसी रिश्ते को बचाए रखने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। और इसीलिए FWC में पहले विचाराधीन रहे मामला, FWC के सदस्य जो है दोनों परिवारों से बात करें और बात करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट नहीं करेगी 2 महीने तक कूलिंग पीरियड के दौरान। यह 498A के तहत डायरेक्शन हाई कोर्ट का है, तो यह आपको जानकारी होनी चाहिए और आपके ध्यान में होना चाहिए। आगे फिर मिलेंगे और रोचक खबर के साथ, तब तक के लिए हमें विदा करिए, नमस्कार।